हम देंगे साथ मिले सबको रोटी भात मुहिम 26 मार्च से चलाई जा रही है। आज इसके द्वारा 30 परिवारों को उनकी जरूरत का सामान दिया गया, जिसमें आटा, चावल, दाल, तेल, नमक, आलू, प्याज, साबुन, बिस्किट इत्यादि शामिल है। इस मुहिम में हर जगह के लोग सहयोग कर रहे हैं। आज खेतान परिवार की विमला देवी खेतान ने अपने पति स्वर्गीय बजरंग लाल खेतान की स्मृति में 31 परिवारों को इस मुहिम के जरिए राशन देने का संकल्प लिया। वही कोलकाता से मेघना खेमका ने भी 10 परिवार के लिए राशन देने की घोषणा करने हुए कहा कि इस महान कार्य से जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भले ही मैं कोलकाता रहती हूँ, लेकिन मेरा दिल अब भी मेरे जन्म प्रदेश असम के लोगों के साथ है। आज राशन वितरण कार्यक्रम में समाज सेवक अनिल रासिवासिया एवं पत्रकार विजय शर्मा ने भाग लिया। दोनों ही व्यक्तियों द्वारा इस मुहिम को सराहनीय करार दिया गया। बेस्ट मुहिम है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है और खूब अच्छे से जरूरतमंदों को सामान मिल रहा है। इसमें जो भी जुड़े हुए हैं, संजय, कृष्णा, पिक न्यूज और जो भी सहयोग दे रहे हैं, गोपाल साहू, राजेश बरेलिया के ऐसे तो पूरा ही हो रहा दिन भर, जो भी जुड़े हुए हैं सब बधाई के पात्र हैं। सबसे बड़ी बात यह है इस मुहिम में सहयोग करने के लिए किसी को बोला नहीं गया, लोग अपनी इच्छा से सहयोग करने आ रहे हैं। आज आपने खुद इसमें भाग लिया और जो सामानों की क्वालिटी देखी, कैसी लगी आपको? बहुत बहुत अच्छी। सब सामान वही है जो अपने घरों में खाते हैं, सब वही सामान है और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से दिया जा रहा है। धन्यवाद। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से दिया जा रहा है, मानने लायक काम होता ही है ना सर। मैंने संजय खेतान का कंप्यूटर दिमाग, संजय खेतान क्या कहना चाहेंगे? जो मुहिम जो चला है, सबसे पहले तिनसुकिया यही मुहिम चलाया गया है आप लोगों के द्वारा। ये पहला जो जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो पहला मुहिम यहीं से स्टार्ट हुआ था। काफ़ी अच्छा है और जिस तरह से स्टार्ट हुआ था अभी तक उसी तरह धारावाहिक रूप से चल रहा है। एक महीना पार हो चुका है, और ये काफ़ी प्रशंसनीय की बात है। ये जो स्टार्टिंग में जिस तरह से लोगों का के प्रति आप लोगों का आग्रह था, जो जिस तरह से राशन वितरण हो रहा था, अभी तक एक महीने से लगातार चल रहा है, ये काफ़ी प्रशंसनीय की बात। आपने देखा है जो सामान की क्वालिटी है या जो देने का सिस्टम हो कैसा लगा? काफ़ी सिस्टम अच्छे से चल रहा है और जिस तरह से सिस्टम से चलना चाहिए, कोई भीड़भाड़ नहीं, सभी सामाजिक दूरी को ध्यान रखते हुए, सारे दोस्तों को ध्यान रखते हुए जिस तरह से चलाया जा रहा है, काफ़ी प्रशंसनीय बात है। वो रीडिंग में लग जाएगा, एक एक साइड में। इस मुहिम के बारे में छोटा बनवारी प्रतिष्ठान के राजेश बरेलिया का कुछ यूं कहना था। गरीबों को राशन मिल रहा है और हमें सेवा करने का कर्तव्य, बहुत ज़्यादा खुशी दे रहा है मन को। और कृष्णा भैया, आप भी और गोपाल साहू भी जो दिन रात इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, आप लोगों की डेडिकेशन भी बनती, मतलब देखते बनती है। और संजय भैया के बारे में तो क्या कहें, कुछ ना कुछ नया ऐसा कर ही देते हैं जिससे लोग उसके साथ जुड़ते चले जाते। जैसे आपके प्रतिष्ठान के सारे स्टाफ, आपका पूरा परिवार दिन रात इसमें जैसे लगे हुए हैं, तो कैसा महसूस होता है? मेरे प्रतिष्ठान के तीनों स्टाफ, राजू, मोहन और रमेश, उनकी डेडिकेशन इस काम को देखती ही बनती है। वाकई में काफ़ी संतुष्टि मिल रहा है मन को, इस तरह की मुहिम से हम जुड़े हुए हैं और संजय के धाम को सत सत नमन करते हैं जिन्होंने ये कदम करने का हमें मौका दिया।